हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे कलेजी की रेसिपी। आपने कलेजी तो कई बार बनाई होगी, लेकिन आप अगर मेरे मेथड से बनाएंगे तो ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको रुमाली रोटी या फिर तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको फ्राई करके ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये मैंने हाफ के जी कलेजी ली है और इसको मैंने अच्छे से पीसेज में कट करके अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी पैन ले सकते हैं। अब मैंने उसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया था, आप चाहे तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से देखिए भुन चुका है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे फिर से। अभी आप चाहें तो इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए और अच्छे से कुक कर सकते हैं, ताकि पीसेज हमारे अच्छे से गल जाए और जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सब सूख जाए। तो इसका पानी सब सूख चुका है, इसमें जो ऑयल ऐड किया था मैंने सिर्फ वो बचा है, तो सारी कलेजी को हम बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने जो ऑयल बचा था उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लिया था, और इसमें 1 चम्मच जीरा और 2 लौंगे ऐड कर दी थी, उनको मैंने अच्छे से क्रैकल करके अब इसमें मैंने 1 बारीक कटी प्याज को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज का पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च को आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। आप इसमें नमक कम ही ऐड करें, क्योंकि हमने जब कलेजी को फ्राई किया था तब उसमें नमक ऐड कर दिया था, इसलिए हम मसाले में थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनने दें, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको तरी आने तक मसाले को सही से भून लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप मेरी अदर्स वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है, देखिए ऊपर ऑयल भी रिलीज हो गया है, कितने अच्छे से ऑयल आ गया है। अब ऐड कर देंगे हम इसमें कलेजी जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखी हुई थी, अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हम इनको वैसे ही अच्छे से कुक होने देंगे, फिर अब ऐड करेंगे इसमें पानी, और पानी ऐड करने के बाद हम इसको फिर से चलाएंगे और हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए कुक होने देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए, कितने अच्छे से ऑयल भी रिलीज कर दिया है कलेजी ने, एकदम से लग रहा है ना कलेजी कोरमा। अगर आपने कलेजी कई बार बनाई है तो मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। अब कर लेते हैं हम इनको सर्व। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कैसे लगे आपको मेरी वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो के साथ जो एकदम सिंपल और ईजी होगी। तब तक के लिए बाय।